नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए सबकी नजरें शरद पवार पर भी टिकी हुई हैं कि आखिर इस पूरे मामले में उनका दांव क्या होता है। इंसान अक्सर कई बार अपने जीवन में गलतियां भी कर देता है। शरद पवार भले ही देश के सबसे तेज दिमाग, सबसे तेज तर्रार राजनेता माने जाते हों, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि उन्होंने भी अपने राजनीतिक करियर में दो बड़ी गलतियां की। एक गलती उन्होंने 1999 में की और दूसरी साल 2014 में। तो आइए जानते हैं क्या थी वो गलतियां। तो पहले बात करते हैं 1999 की। 1999 वो साल था जब शरद पवार ने कांग्रेस से हटकर अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। पवार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोग बताते हैं कि शरद पवार को ये लग रहा था कि कांग्रेस में उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है और ऐसे में वो सबसे बड़े देश के पद पर कांग्रेस में रहते हुए नहीं पहुंच सकेंगे। तो अपनी इसी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी खुद की स्वतंत्र पार्टी बना ली। अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी के इटालियन मूल का मुद्दा उठाया। लेकिन जिस साल उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, उसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी थे और विधानसभा चुनाव में उसी कांग्रेस के साथ शरद पवार ने गठबंधन कर लिया, ये कहते हुए कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा केंद्र पर लागू होता है, महाराष्ट्र पर नहीं। लेकिन आगे जाकर शरद पवार की पार्टी यूपीए का हिस्सा बन गई और शरद पवार केंद्र में कृषि मंत्री भी बन गए। इसके बाद शरद पवार की पार्टी 3 बार महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस के साथ मिलकर आई। 1999 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी महाराष्ट्र में। इसके बाद साल 2004 में और साल 2009 में भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई। हालांकि लगातार 15 साल तक शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में तो ज़रूर रही, लेकिन ये पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित होकर रह गई। कई सियासी जानकार इसे शरद पवार की चूक मानते हैं। उनका मानना है कि शरद पवार अगर 1999 में कांग्रेस से हटकर अलग पार्टी नहीं बनाते तो साल 2004 में जब यूपीए की सरकार सत्ता में आई थी तो हो सकता था उस वक्त मनमोहन सिंह की जगह पर शरद पवार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए कंसीडर किया जाता। ये भी कहा जाता है कि शरद पवार आज अगर कांग्रेस में होते तो शायद देश की सियासत आज कुछ और होती और कांग्रेस जिस बुरे दौर से गुजर रही है, कांग्रेस की वैसी हालत ना हो पाती। लेकिन सियासी जानकार चाहे जो कुछ भी कहें, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या खुद शरद पवार कांग्रेस से अपने अलग होने को गलती मानते हैं? शरद पवार की दूसरी गलती मानी जा रही है साल 2014 में, जब उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के लिए एक तरह से अपना समर्थन दिया था। 2014 के जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन उसके पास में बहुमत नहीं था। देवेंद्र फडणवीस ने तब मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन विधानसभा में जब विश्वास प्रस्ताव आया तो उनके पास 145 जो कि बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं था। बीजेपी को 122 सीटें मिली थी और शिवसेना को 63 सीटें। शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में आने को तैयार नहीं थी। ऐसे में बीजेपी को मदद मिली राष्ट्रवादी कांग्रेस से, शरद पवार की पार्टी से। शरद पवार ने बाहर से बीजेपी को समर्थन देने का एक तरह से ऐलान कर दिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस की वजह से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आ गई। शरद पवार की मदद से बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में तो आ गई, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भी बीजेपी की ओर से शरद पवार को ही भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार एनसीपी के कई सारे बड़े नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायकों का बीजेपी में शामिल होना शुरू हो गया। यहां तक कि कुछ ऐसे नेता जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाए जाते वक्त शरद पवार के साथ कांग्रेस छोड़कर निकले थे, उन्होंने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया और बीजेपी और शिवसेना में चले गए। छगन भुजबल जैसे एनसीपी के दिग्गज नेता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में जेल चले गए। विधानसभा चुनाव के पहले तक ये कहा जाने लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और उसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। ये भी कहा जाने लगा कि ये पार्टी अब शायद पवार और उनके परिवार तक सीमित होकर रह जाएगी। हालांकि शरद पवार ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अपनी पार्टी बचा ली। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राज्य भर में दौरा किया, जगह जगह पर घूम घूम कर उन्होंने भाषण दिया। 80 साल की उम्र में भी मौसम की परवाह ना करते हुए वो जिस तरह से चुनावी कैंपेन कर रहे थे उसने एक तरह से उनके प्रति सहानुभूति पैदा की और इसका
एनसीपी को फायदा हुआ। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या शरद पवार वही गलती इस बार भी करेंगे जो साल 2014 में उन्होंने की थी, क्योंकि इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस अल्पमत की सरकार की शपथ लेते हैं और जब सदन में बहुमत सिद्ध करने की बारी आती है तो क्या पवार उसी तरह से बीजेपी सरकार की मदद करेंगे जैसी उन्होंने साल 2014 में की थी, या फिर उनका दांव कुछ अलग होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।